तो मैं अपने आप को पहचानूं और एक नया कुछ करूं। जरूरी नहीं है कि हम पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाएं, हमारी बहनें बहुत क्षेत्रों में आगे जाती हैं, कोई खेल के क्षेत्र में आगे हैं, कोई कला के क्षेत्र में आगे हैं, कोई संगीत के क्षेत्र में आगे हैं। तो इसी तरह से बहनों ने अपने घर परिवार का नाम रोशन करना है। और आज का हमारा ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक मिलन कार्यक्रम है, ये ऐसा नहीं कि हम सब भाषण दें और आगे बढ़े, ऐसा नहीं, हम सबको कुछ करके जाना है, एक संकल्प लेकर जाना है कि मैं अपने जीवन में कुछ करूं। हम आए, दीदी ने बोला, भैया ने बोला, मैंने बोला, ठीक है, बहुत अच्छा, हमने सुना भी, बड़े ध्यान से सुना, आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने जो हम सबको सुना और उसको अपने जीवन में उतारने का भी एक प्रयास करेंगे। अभी दीदी बता रही थी रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण आया था, तो रानी लक्ष्मीबाई के अंदर भी एक संकल्प था कि मैं कैसे रानी बनूं, उसने मन में ही ठानी थी, तत्काल भाला चलाना कैसे आया उसको, तो बचपन से ही वो सीखती थी, नाना के संग खेली थी वह, नाना के संग पढ़ती थी, बरछी ढाल प्रमाण कटाई उसकी यही सहेली, बस वो उन्हीं से खेला करती थी, उसे पता था मैं रानी बनूंगी तो भविष्य में ये मेरे काम आएगी। चमक उठी संसद कावन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ने बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब कड़ी मर्दानी वह दो झांसी वाली रानी। अचानक विधि का विधान ऐसा बना, उस पर पहाड़ टूट गया, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी आप सब चित परिचित हैं, सब जानते हैं। तो उस समय वह वीरांगना लड़ाई के मैदान में खड़ी, अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए स्वयं को उसे फिर भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, कितनी महान महिला थी। हमें भी ऐसे ही कार्य करके आगे बढ़ना है, किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे आप खेल के क्षेत्र में जाए, चाहे संगीत के क्षेत्र में जाए, तो अपना लक्ष्य साधन कि मुझे इस कार्य में आगे बढ़ना है। आज का हमारा ये कार्यक्रम तभी सफल होगा, आज हम कुछ भी नहीं करते, मैं कहूँ कि हमारी बहनें जॉब नहीं करती है, फिर भी 5-10 रुपया हमारे पास होता होगा, है ना, अगर है भी तो आज क्या करेंगे हम अपनी माताओं बहनों को खुश करने के लिए। उदाहरण के लिए घर गए, एक बिंदी का पत्ता ही हम ले लें, है ना, अपनी माताओं बहनों को माथे पर बिंदी लगा सकते हैं क्या, उनके शाम को पैर दबा करके उनकी पैरों की मालिश कर सकते हैं क्या, उनको उपहार के रूप में, जरूरी नहीं है कि उनको हम कुछ कैसे करें, है ना, उनकी सेवा करते भी हम कुछ करेंगे। आज एक संकल्प ले लें कि हम समय निकाल कर उनके साथ बैठेंगे, समय निकाल कर उनके साथ भोजन करेंगे, रात्रि एक भोजन हम उनके साथ कर सकते हैं, और समय को हमारे रपड़ तपड़ होते हैं। अभी जो हमारी शिक्षार्थी बहन है, सुबह 5:30 से उनके ट्यूशन चल जाते हैं और वो रात 7:30 तक घर पहुँचते हैं, ऐसी भी बहनें हैं हमारे परिवार, तो समय नहीं होता परिवार के साथ बैठे, तो कहीं कहीं से समय निकाल कर उनके साथ बैठे, उन्हें समय दें, उन्हें भी अच्छा लगेगा हमारे परिवार वालों को, और वो चाहते हैं, वो कुछ अपेक्षा रखते हैं हमसे, हम सारे दुख सुख उन्हें कहें। मैं तो चाहती हूँ कि अपनी माँ को हम सब सहेली बनाएं, अपनी माँ से सारी बात शेयर करें, माँ ही हमारी सच्ची सहेली है, वह आगे चलकर हमारा मार्गदर्शन करती है, जिस माँ ने हमको जन्म दिया है वह हमारे लिए देवतुल्य है, माँ नहीं होती तो हम कहाँ होते, माँ के द्वारा ही हम आगे बढ़े। ऐसे सभी माताओं को मेरा सादर नमन, सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, भैयाओं को भी शुभकामनाएं। अपने मध्य में छोटी बहन
शिव पांडे जी, जिला संयोजक कृष्णा नेगी जी और अपने सभी कार्यकर्ता बंधु। हम सभी जानते हैं कि ये मौका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, तो सर्वप्रथम मैं आप सभी बहनों को शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं, हम बिलीव करते हैं कि हर दिन महिलाओं का, तो आखिर एक दिन इतना खास क्यों मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में? क्यों मना रहे ये? इसीलिए मना रहे हैं ताकि देश भर में, विश्व भर में महिलाओं ने जो उपलब्धियां अर्जित की है उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर सकें, उनकी सराहना हम यहाँ पर कर सकें, और जो भी कमियां अभी समाज में है, देश में जो भी कमियां हैं, उनको पूरा करेंगे इस संकल्प के साथ हम यहाँ से जा सकते हैं। हम जब अपने घर के मंदिरों में पूजा करते हैं तो हमेशा ये मंत्र सुनने को मिलता है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमः। तो इस मंत्र का जब मैंने उच्चारण किया तो इसमें तीन शक्तियों का मैंने वर्णन किया, एक घर की लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, विद्या की देवी ऐसी माँ सरस्वती को हम पूजते हैं, और साक्षात शक्ति का गुरु ऐसी माँ दुर्गा को हम पूजते हैं। तो जो इस संसार को चलाने में जो तीन सबसे शक्तिशाली शक्तियां हैं वो किसमें है? वो एक महिलाओं में है। तो आप सब पहले तो एक दो नाम डालिए, आप हम सब अपने लिए बजाइए कि हम वो नाम शक्तियों का रूप हम यहाँ पर हैं, और हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। तो महिला सशक्तिकरण की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि महिलाएं तो पहले से ही सशक्त हैं। हमें जरूरत है तो क्या है? सिर्फ अपने आप को जागरूक करने की। भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को पूजा जाता है। यदि नागेश पूजन में रमंत्री तत्व देवता ऐसा ही बैनर में भी लिखा है, इसका अर्थ है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास है, और जहां नारी को नारी की इज्जत नहीं होती है, नारी का सम्मान नहीं होता है, वहां सारे काम विफल होते हैं, ऐसी मान्यता भारत की है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस संस्कृति से रिश्ता रखते हैं जहाँ प्राचीन भारत में महिलाओं को पूजा जाता था। प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूँ तो महिलाओं को बराबर शिक्षा का अधिकार था, महिलाओं को पुरुष के साथ बराबर का अधिकार था। ये सारी नीतियां जो आए कि महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया, महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं दिया गया, तो देश में जब हमारे बीच में आक्रांताएं आई, ऐसे मुगलों ने जब हमारे देश को गुलाम किया, कई आक्रांताएं हमारे देश में आई, तो ये सारी जो कुनीतियां हैं तब ये हमारे देश में, नहीं तो भारत देश तो ऐसा देश था जहां महिलाओं को पूजा जाता था, महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता था। आज हम देखेंगे कि भारत एक ऐसा देश है जहां भारत की महिला राष्ट्रपति भी रही है, भारत की महिला प्रधानमंत्री भी रही है, भारत के अनेक राज्यों में महिला मुख्यमंत्री भी रही है, और देश की बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी का भी नेतृत्व महिलाएं कर रही है, ऐसा देश हमारा। मैं भारत के इतिहास की बात करूं तो भारत के इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई, हम सबने नाम सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अपने छोटे बालक को कंधे पे उठाकर उन्होंने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए और ये कहते हुए कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, ऐसी महान ग्रामीण हमारे थे। हम उस देश के नागरिक हैं जहां पद्मावती जैसी महान रानी हुई जिन्होंने कहा कि हम उन मुगलों के हार नहीं आएंगे, और जौहर जैसी प्रथा उन्होंने वहां पे। हम उस देश के नागरिक हैं जहां महारानी दुर्गावती जैसी रानियां हुई। हम उस देश के नागरिक हैं जहां सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, किरण बेदी जैसी महिलाएं। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो अपने उत्तराखंड में भी गौरा देवी, जिया रानी, तिरु रोहिणी जैसी महिलाएं, गौरा देवी को हम सभी जानते हैं। उन्होंने एक छोटा
देश के नागरिक हैं, जब वो इस देश की महिला जिनके पति फौज में होते हैं और जब वो शहीद होके आते हैं तो वो महिला रोती है, लेकिन रोते रोते क्या कहती है, मैं अपने पति को सच्ची श्रद्धांजलि तब दूंगी जब मैं भी सेना में भर्ती हो जाऊंगी, जैसे मेजर विभूति ढोंडियाल जैसी उनकी महान जो वीरांगना हुई है, ऐसी निकिता ढोंडियाल जब मेजर सेना में ऑफिसर बन जाती है तब वो कहती है। Come and Nikki ji to come and say a few words on this beautiful occasion.